हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक ऐसी ख़ास बात जो कई घरों में होती है एक गलती के रूप में, और इसको करने से कुछ ख़ास प्रकार की मनहूसियत पनपती है। देखिए, एक चीज़ और मैं क्लियर करूँगी, कुछ लोग इन बातों को अंधविश्वास समझते हैं, पर बेसिकली ये अंधविश्वास नहीं होते हैं क्योंकि इनके कई जगह पर नेगेटिव रिजल्ट होते हुए देखे गए हैं। फिर भी अपनी अपनी मान्यता है, हम अपने विचार कभी किसी को थोपते नहीं हैं। हम हर सिर्फ यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं, इट्स अप टू यू कि आप उनको फॉलो करें या ना करें। हमारा उद्देश्य एक यही है कि हम जो भी बात आपको बताएं उससे आपका भला हो। अब आपको लगता है कि इन बातों से आपका कोई भला नहीं है, तो फिर आप अपने जो ट्रैक चल रहा है उसी पर चलिए। हमने आप ज़बरदस्ती किसी को भी बाध्य नहीं किया अपने विचारों को मानने के लिए, लेकिन ये जो विचार हैं हमारी परंपराओं का हिस्सा है। हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा हमें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब इन बातों को हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ में लेते हैं तो इनके बेहतर रिजल्ट हमें मिलते हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हम जीवन में कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, घर में हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उनमें हम ऐसे कामों को प्रमुखता देते हैं जिनसे हमारे जीवन में शुभता और मांगलिकता बनी रहे। हम ऐसे काम नहीं करते हैं जो अमांगलिक हों या अशुभ मौक़ों पर किए जाएं। तो आज जो मैं आपको बात बता रही हूं उसका एक्चुअली जो कनेक्शन है वो हमारी शुभता से है, और वो क्या है आइए जानते हैं। मैं आज आपको बताने जा रही हूं कि कुछ लोगों की आदत होती है घर में लेटे रहने की मतलब होती है, वैसे तो हर किसी की आदत होती है, जब भी मनुष्य थका हुआ महसूस करता है तो वो विश्राम करता ही है, लेट कर करता है या बैठ कर करता है, किसी न किसी रूप में विश्राम करता है। लेकिन फिर भी घर के जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ टीनेजर्स होते हैं जिनको कि कुछ खास बातों की जानकारी नहीं होती है, वो जानकारी मैं अब आपको देने जा रही हूँ। सबसे बड़ी चीज़, जब भी कोई व्यक्ति लेटा हुआ हो तो कभी भी उसको कोई कोरा कपड़ा नहीं पकड़ाना चाहिए। जैसे कि कई लोग होता है ना, घरों में लेटे हुए रहते हैं और मान लीजिए किसी की मदर ही लेटी हुई है, कोई लड़की है बाजार से कोई सूट खरीद के लाई है और वो अपनी मम्मी को दिखाना चाहती है, या घर की कोई दादी है या कोई और बुजुर्ग लेटा हुआ है और उसने वो लाके कोरा कपड़ा उनको लेटे हुए पकड़ा दिया, तो ये एक प्रकार का बहुत ही अशुभ सिंबल होता है, अशुभ एक चिन्ह होता है। तो ये कभी भी नहीं करना है। जब भी कोई नवीन वस्त्र या कोरा कपड़ा आप बाज़ार से लेकर आएँ तो किसी भी व्यक्ति को लेटी हुई हालत में नहीं पकड़ाएं, उनको आग्रह करें कि वो थोड़ा सा बैठे हो जाएं, उसके बाद ही आपको वो वस्त्र उनको पकड़ाना चाहिए। इसके अलावा शनिवार का दिन हो और कोई व्यक्ति अगर फर्श पर लेटा हुआ, फर्श पर मतलब कई लोगों की आदत होती है जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और उनका फर्श कोई नया बना हुआ है, बहुत ठंडा है, तो कई बार वो फर्श पर ही लेटे हुए देखे गए हैं या दरी वगैरह पर ही लेटकर विश्राम कर लेते हैं, या नीचे गद्दे हुए बिछे हुए रहते हैं उसी पर लेटकर विश्राम कर लेते हैं। ऐसे में भी उनके चक्कर नहीं लगाने चाहिए। कई बच्चों की आदत होती है खेल खेल में वो चक्कर लगाने लग जाते हैं, जो व्यक्ति लेटा हुआ या बैठा हुआ हो तो कभी भी किसी व्यक्ति के गोल गोल चक्कर नहीं लगाने चाहिए। यदि कोई बच्चा ऐसा करता है तो उसको रोक दीजिए इस चीज़ के लिए, और उसको समझाइए कि ये करना उचित नहीं है। तो ये करने से भी अशुभता का नाश होता है और शुभता पनपती है। इसके अलावा जैसे कोई त्यौहार का मौका है, मान लीजिए कुछ किसी को पैसा देना है, कोई रिश्तेदार आया है किसी को पैसा देना है, तो कोई भी व्यक्ति जब लेटा हुआ हो तब उसको पैसा नहीं पकड़ाना चाहिए। उसको ये बोलना चाहिए कि थोड़ा सा आप बैठे हो जाओ, उसके बाद में ही उसको पैसा जो शगुन के तौर पर आप दे रहे हैं या किसी भी रूप में आप उसको दे रहे हैं तो तभी बैठा करके ही आपको देना चाहिए। इसके अलावा जैसे किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या किसी के चरण स्पर्श कर रहे हैं तब भी ये कार्य नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार है या किसी का स्वास्थ्य खराब है या कोई बुजुर्ग हैं जो लेटे हुए हैं किसी भी कारण से और आपको उनके घर पर जाकर उनको प्रणाम करना है तो हमेशा उनको ये निवेदन कीजिए या इस चीज़ का वेट कीजिए कि वो थोड़े से बैठे हो जाएँ, तभी आपको उनका पैर छूना चाहिए। स्पेशली जो न्यूली मैरिड लेडीज़ होती हैं न्यूली मैरिड जो गर्ल्स होती हैं उनको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि परिवार का ससुराल का कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और वो चाहती हैं कि अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, उनका आशीर्वाद लेवें, तो ऐसा करने से कई बार अगर परिवार बहुत जानकार हुआ इस बात का तो उनकी छवि भी खराब हो सकती है। तो उनको ये निवेदन करना चाहिए कि भाई मुझे पैर छूने हैं, प्लीज़ आप थोड़ा सा बैठा हो जाइए। ऐसा करके उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और कोई अशुभता भी नहीं पनपेगी। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, स्पेशली जो नई विवाहित लड़कियाँ हैं जिनको कि इसकी जानकारी नहीं होती है उनको भी इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लिटरेचर नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये जीवन का व्यावहारिक ज्ञान है जो आपके बड़े ही आपको दे
सकते हैं। कई बार किसी घर के बड़ों को भी ये जानकारी नहीं होती है, या ऐसे भी कई बार बदकिस्मती से परिवार होते हैं जहाँ कोई बड़ा नहीं होता समझाने वाला, तो ऐसे में लड़कियाँ बहुत कन्फ्यूज़ रहती हैं कि ऐसे मौक़ों पर वो क्या करें, और कई बार उनसे ये गलतियाँ हो भी जाती हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको यही संदेश दूंगी कि जो पुरानी छोटी छोटी बातें हैं जो शुभता बढ़ाने वाली हैं, इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपका सम्मान बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। चाहे आप कितने भी आधुनिक हो, चाहे आप जीन्स टॉपर पहनते हो, चाहे आप फर फर इंग्लिश बोलते हो, या बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हो, और सब चीज़ ठीक है, लेकिन फिर भी जब आप छोटे छोटे ट्रेडिशन को फॉलो करते हो, छोटी छोटी बातों का सम्मान करते हो, तो इससे आपकी गुडविल बनती है और इससे आपका सम्मान निश्चित रूप से बढ़ता है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। लेकिन जैसे कि कमेंट्स में भी कुछ लोग भेजते हैं बहुत मॉडर्न लड़कियाँ कि आप आज के ज़माने में, आज का जो कलयुग है इसमें आप कैसी बातें कर रहे हो, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि हम तो परंपरा को फॉलो करते हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से परंपराओं को जितना सम्मान दे सकें उतना ही कम है। आपको भी हम तो यही कहेंगे कि सम्मान देना चाहिए, बाकी फिर भी जैसे आपके संस्कार आपको अलाउ करें आप उसको फॉलो कीजिए। फोर्स नहीं करते हम, सिर्फ आपको जानकारी देकर आपकी शुभता की कामना करते हैं। आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और जय श्री राम जरूर भेजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।